एक सज्जन अपने घर के बालकनी में बैठे थे। अचानक उन्होंने देखा कि एक चींटी उनके घर के भीतर एक विशालकाय पत्ते को उठाने का प्रयास कर रही थी। चींटी के प्रयासों से वो पत्ते को धक्का मार रही थी। चींटी ने धक्का मारा, कुछ दूर तक गए, फिर धक्का मारा, और ये सज्जन सोच रहे थे कि चींटी का आकार इतना क्षुद्र है और ये पत्ते का आकार इतना विशाल है, लेकिन फिर भी ये चींटी इतनी शक्तिशाली कैसे। दंग रह गए कि बीच में धरती पर कुछ दरार थी। चींटी ने बुद्धि का प्रयोग किया, उस दरार के ऊपर उस पत्ते को रखा, धक्का मारकर सही दिशा में रखा, स्थापित करने के बाद उसके ऊपर से उस दरार को पार किया, ब्रिज की भांति दूसरी तरफ पहुंच के फिर खींचने लगे, और बड़ा परिश्रम संघर्ष करते करते उस पत्ते को अपने घर तक ले गए। लेकिन ये सज्जन देख के दंग रहे कि उनका घर क्या था, धरती के अंदर एक छोटा सा गड्ढा। उस छिद्र को देखकर विस्मित हो गए कि अब चींटी आगे क्या करेगी। चींटी ने विचार किया, चलो अब इस छिद्र तक पहुंच गए, अब छिद्र के अंदर केवल मैं प्रवेश कर सकता हूं, लेकिन ये पत्ता नहीं। चींटी अंदर प्रवेश कर गए, पत्ता बाहर ही रह गया। सज्जन सोचने लगे, इतना महत् प्रयास किया चींटी ने, इतना कर्मठ परिश्रम किया, इतनी चिंताएं और यातनाएं झेली जिससे कि उस पत्ते को उठाकर उस छेद तक ला सके, इतना पसीना बहाया, लेकिन अंत में उस पत्ते को पीछे ही छोड़ना पड़ा। भागवत वर्णन करता है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवयो विदु स एव साधु शुक्रतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। इस जगत के विविध प्रकार के विषय वस्तुओं के प्रति हम लोग आसक्त होते हैं, और उस आसक्ति के कारण मन में निरंतर चिंताएं उमड़ती रहती हैं, पत्नी के विषय में, बच्चों के विषय में, नौकरी धंधे के विषय में, सामाजिक प्रतिष्ठा संबंधों के विषय में, धन इत्यादि के विषय में। इन सब बातों का चिंतन करते करते मन में चिंताओं का बवंडर उठने लगता है। लेकिन क्या हमने क्षणमात्र रुक कर कभी विचार किया, ध्यान किया कि कहीं हमारा प्रयास इस चींटी के प्रयास की भांति तो नहीं। जैसे चींटी ने इतना प्रयास करके उस पत्ते को उठाकर ले गए, इतनी बड़ी यात्रा की, लेकिन यात्रा का अंत कहां हुआ। उस नन्हे से छोटे से छिद्र के भीतर केवल वो चींटी प्रवेश कर पाई, पत्ता नहीं। आइए हम अपने जीवन के विषय में विचार करें, चिंतन करें। क्या हमारा जीवन केवल धन संपत्ति इत्यादि अर्जित करने में ही चला जाएगा, या हम अपने उस संपत्ति के विषय में विचार करें जो मृत्यु के आगे हमारे साथ जाए, वो है हमारी आत्मा, हमारी चेतना। प्रतिदिन थोड़ा समय अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए अवश्य दें। जब तक आध्यात्मिक उन्नति के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे, तब तक जीवन चिंताओं से अभिभूत रहेगा, और मृत्यु के क्षण हम बड़े पश्चाताप के विचारों से पूर्ण होंगे कि हमें ये मानव जीवन मिला, लेकिन बहुमूल्य मानव जीवन का पल पल हम केवल पत्ता खींचते चले गए, और जब अंतिम चिता के ऊपर जब हमारे मृत शव को जलाया जाएगा, हमारे पास शेष कुछ नहीं बचेगा। आत्मा तो इस शरीर को छोड़कर अन्य गंतव्य को पहुंच जाएगी। आइए आध्यात्मिक जीवन में कुछ ध्यान दें।